6 महीने का यूनिवर्सिटी का वीज़ा लेने के बाद जनाब जी वो 20,000 RMB मुझे आज तक भी नहीं मिला। मैंने कहा ब्रो बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, आपके पास HSK 5 नहीं है, HSK 4 नहीं है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 3 लाख रुपया भी गया और स्कॉलरशिप भी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज कल एक मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम आया हुआ है, उस स्कैम का मैं भी शिकार हुआ था 2019 में, और लेकिन वो स्कैम अभी तक चलता आ रहा है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो स्कैम क्या है और लोग कैसे आपको फुद्दू बनाते हैं और लोग कैसे आपका पैसा लेके गायब हो जाते हैं। तो चले गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है, यार मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 2019 में और उस स्कैम ने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया था ना कि मैं चाहता था कि यार मैं इन लोगों को इन लोगों की लूँगा, जो एजेंट्स लोग होते हैं ना इनको मैं पूरा बेनकाब करूँगा। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई भी हैं लेकिन आज मैं आपको ना अपनी स्टोरी बताऊँगा इस वीडियो में और बाकी जो लोगों के साथ आजकल मार्केट में स्कैम हो रहा है उसके बारे में बताऊँगा। तो गाइस मैं आपको ना अपनी स्टोरी जो है ना वेरी शॉर्ट वे में बताऊंगा। वैसे ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है एक दफ़ा, लेकिन वो वीडियो 25 मिनट की हो गई थी, उसमें मैंने बहुत लंबी वो स्टोरी आपको बता रही थी मेरे साथ क्या हुआ था, तो फिर मैंने वो कभी अपलोड ही नहीं की। मैंने सोच रहा था कि यार वो बहुत ज़्यादा लंबी है, शायद कुछ देखें या ना देखें, लेकिन आज मैं आपको ना बहुत शॉर्ट वे में अपनी स्टोरी बताऊँगा। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है जी, 2019 में मेरा दिल किया जी कि चाइना आना है स्टडी के लिए, और हमारे गली मोहल्ले का एक लड़का था चाइना में स्टडी कर रहा था और उसके बड़े भाई हमारे पास ना ऐसे ही, मतलब जब आप सोचते हो ना कोई काम करने के बारे में कुदरत आपको उसी की तरफ ले जाती है। मैंने ये सोचा कि यार मैं चाइना स्टडी के लिए जाना है, मैंने ऑनलाइन कोई रिसर्च की और थोड़े दिन बाद ही ना मुझे उस लड़के का जो चाइना में स्टडी कर रहा था ना उसका बड़ा भाई मिला, कह रहा यार कोई बंदा शंदा हो ना मतलब जो चाइना जाना चाहता हो मुझे बताना। मैंने कहा यार मैं भी जाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। उसने मुझे सारे वो सब्ज बाग दिखाया जो कि एजेंट्स दिखाते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कोई पैसा नहीं होगा, आपकी फ़्लाइट भी फ्री होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये एडवांस कितने पैसे देने हैं, मतलब वो कह रहा था हाँ थोड़े वो पैसे लगेंगे आपके क्योंकि एजेंट्स होते हैं वहाँ पर, वो थोड़े वो पैसे लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जी कर आके बात इस तरह स्टार्ट हुई कि जी उसने बोला कि मैंने आपकी ना एडमिशन करवाता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी की ना एडमिशन फ़ीस देनी है, मुझे 3,000 RMB दे दो। मैंने उस बंदे को जी 3,000 RMB दे दिए। अब 3,000 RMB लेके वो बंदे ने मेरा एडमिशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। उस बंदे ने मुझे बहुत गेड़े करवाए, मेरा पूरा एक साल का टाइम वेस्ट किया उस बंदे ने। अभी आ रहा है एडमिशन लेटर आ रहा है कभी, और यार ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं सही इसलिए मैं इसमें एडमिशन नहीं करवा रहा, मतलब फुल उसने गेड़े करवाए मुझे। यार यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी आपका JW 2020 नहीं निकाली, यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा नहीं दे रही, चाइनीज़ छुट्टियाँ आ गई हैं, ये हो गया वो हो गया, मतलब कि बाबा जी फुल तरीके से ना उसने मुझे फुद्दू बना रहा था वो बंदा। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैं उससे कहना शुरू हो गया कि ब्रो मुझे ना या तो मेरे पैसे वापस कर दो या मेरा काम करवा दो। उसने फिर ये किया कि जी जनाब, मतलब कि ना उसने मुझे ट्रस्ट में लिया, अच्छे तरीके से ट्रस्ट में लिया, मतलब कि प्रॉपर उसने मुझे ट्रस्ट में लिया। ट्रस्ट में लेने के बाद यार उसने कहा कि मतलब कि मैं उस बंदे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसलिए कि क्योंकि वो हमारे गली मोहल्ले में रहता था और हमारा वो सीनियर भी था हाई स्कूल में। तो गाइस मैंने ना उसको ट्रस्ट में आके मतलब कि उसको पैसे दे दिए, उसने मेरा एडमिशन करवा दिया जी, एडमिशन हो गया, फाइनली मेरा वीज़ा लग गया। अब मेरा जो स्कैम स्टार्ट होता है ना वो मेरा वीज़ा लगने के बाद होता है, क्योंकि उससे पहले जो भी काम हो रहा था ना वो यही हो रहा था कि यार कोई बात नहीं हम कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा काम, आपको टेंशन ही लेनी, सब कुछ हो जाएगा। जैसे ही मेरा वीज़ा लगता है ना, अब वो बंदे ने पता चल गया कि अब इसने चाइना आना है, अब इससे जितने भी पैसे निकलवाने ना निकलवा लो। अब उस बंदे ने मेरे साथ बात की थी कि मैं उसको 5,000 RMB दूंगा एजेंटी फ़ीस, ठीक है 5,000 RMB, 3,000 मैं पहले दे चुका था, 5,000 और देने थे, और वो 5,000 RMB मैंने जब चाइना आ जाऊंगा, चाइना आने के बाद उसको देने हैं। और उसने मुझे कहा था कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, आपकी 10,000 सैलरी होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, यार चौधरी टेंशन न ले यार, हम भाई हैं यार, हम एक स्कूल में पढ़े हुए हैं यार, मैं मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोलता। अच्छा बात फिर लंबी हो रही है, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। मैंने जी जनाब उसको ना आने से पहले ना कि मेरे अब्बू ने मुझे बोला कि बेटा तुझे वहाँ पर मतलब वह मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे नहीं थी, उसने मुझे बाद में ये भी गिड़ा दे दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं दे रही, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, तो आप टेंशन ना लो यार, आप फीस दे लोगे, आपकी जॉब हो जाएगी, ये सारे चक्कर उसने मुझे करवा दिए थे ना, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा यार ईजी वे में, आप अपनी फीस दे लोगे, मसला ही कोई नहीं है यार, आप परेशान ना हो, मतलब टेंशन नहीं लेनी। अब मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी जी 10,000 RMB। उस वक्त पाकिस्तान में ना मैं जॉब करता था PMI में, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल में, और मेरे पास तब पैसे होते थे, तब मैं थोड़ा बहुत अपनी शॉप पे भी काम करता था, मतलब पैसे मेरे पास होते थे, और मैंने अपने कर कर आके ना कोई उस वक्त का ना मतलब कि 20,000 RMB इकट्ठा कर लिया। 20,000 RMB इकट्ठा करने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे रोका कि
तू वो चला जा, वहाँ पहुँच जा, हम तुझे ये पैसे करवा देंगे। मैंने कहा नहीं यार, कोई मसला ही नहीं है, बंदा हमारा वहाँ पर बैठा हुआ यार, इतना ट्रस्टेड बंदा है, भाई भाई बोलता है, हमारे गली का ही बंदा है, ये हमारे क्या झूठ बोल लेगा, क्या कर लेगा हमारा। उसने भाई ट्रस्ट में लेके ना वो मेरे से 20,000 RMB मंगवा रही है। अच्छा जी, कर कर आके जी मैं चाइना पहुँचा हूँ, वो बंदे ने मुझे चाइना मतलब एयरपोर्ट से आके पिक किया है, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी छोड़ा है, मैं वॉशरूम में गया और पीछे से बंदा गायब। आप सोच सकते हो कि मेरा एजेंट ही गया, मेरे गली मोहल्ले का लड़का ही गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया। वहाँ पर जाके बस मुझे, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ यार, मैं कहता यूनिवर्सिटी पहुँच जाओ, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपके पैसे दे के जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी, आप परेशान ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मैंने ब्रो उसको कॉले करनी, उस मतलब थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद वो बंदा जी मेरी कॉल पिक करना भी बंद कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया उसने। मैं परेशान, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी नहीं दी हुई, मेरे पास वीज़ा भी सिर्फ X1 जो 30 दिन का वीज़ा होता है वो वीज़ा हो, मैं भाई परेशान। मैं कहा किसके हाथ हेल्प, मतलब क्या करूँ। घर वालों को मैं इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि घर वालों ने मुझे रोका था कि तू पैसे ना दे इन लोगों को, ये बंदे तुझे मतलब झूठ ना बोल दें, तेरे साथ फ्रॉड ना कर दे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। मैंने अब घर वालों को भी ना बताऊँ। अच्छा जी, कर कर आके तब मेरा एक दोस्त मेरे काम आ गया, उसने मुझे फ़ीस दे दी जनाब। मैंने ना कर कर आके ना अपनी वो फ़ीस जमा करवाई और 6 महीने का यूनिवर्सिटी का वीज़ा ले ली। 6 महीने का यूनिवर्सिटी का वीज़ा लेने के बाद जनाब जी वो 20,000 RMB मुझे आज तक भी नहीं मिला। इस स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है आप लोगों के साथ कि गाइस किसी बंदे पे भी ट्रस्ट ना करो। और आजकल जो स्कैम चल रहा है मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ कि लोग आपको बोलते हैं जी स्कॉलरशिप का, बैचलर की स्कॉलरशिप जी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मैं आपको, मेरे पास अभी ना कुछ मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। एक बंदे ने मुझे ना तकरीबन दिसंबर में मुझे मैसेज किया कि जी मुझे मार्च इनटेक में, मैं 3-4 बंदों की बातें करूँगा, अब पहले बंदे की बात करते हैं। मुझे दिसंबर में उसका मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि भाई मैं चाइना में आना चाहता हूँ, मुझे बैचलर के लिए ना स्कॉलरशिप चाहिए। मैंने कहा ब्रो बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, आपके पास HSK 5 नहीं है, HSK 4 नहीं है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताई, उसको मेरी बातें कड़वी लगी। उसको वो चला गया एक एजेंट के पास, उसने एजेंट को दिया जी 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज। अब आ गया जी मार्च, कल उस बंदे का मुझे मैसेज आया, मुझे कहता है कि भाई वो बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, वो बंदा ना मेरे पैसे वापस कर रहा है, ना मेरा मतलब एडमिशन करवा रहा है, मुझे लारे लगा रहा है, हाँ यार तेरा एडमिशन लेटेस्ट निकल आएगा, हाँ यार ये हो जाएगा, हाँ यार वो हो जाएगा। भाई बंदे कितने फुद्दू हैं यार, कितनी इजी वे से लोगों की बातों में आ जाते। मैं उसको सच बात बता रहा था, वो बंदा मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा, और उस बंदे ने उसको झूठ बोला कि यार वो तेरी स्कॉलरशिप करवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा। लो जी किधर की स्कॉलरशिप, 3 लाख रुपया भी गुवा लिया और स्कॉलरशिप भी नहीं हुई। ये हो गया जी पहला स्कैम, बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, बहुत मुश्किल स्कॉलरशिप है, बहुत मुश्किल स्कॉलरशिप गेन करना। अगर आपके 90% प्लस मार्क्स है ना, तब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपकी बंदा चाहे पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में कह रहा ना कि आपकी वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप करवा देगा, वो आपको झूठ बोल रहा है। यार मैं कितनी बार ये बात बोलूँ कि वो बंदा आपको झूठ बोल रहा है, मैं तंग आ गया हूँ बोल बोल के आपको, वो झूठ चूना लगा रहा है वो बंदा सिर्फ आपके पैसे खाने के लिए। अच्छा दूसरा स्कैम मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर ना उसने मुझे से बात की कि यार मेरा एडमिशन करवा दो। मैंने कहा जी ठीक है, हो जाएगा एडमिशन जी आपका। मेरे से बहुत बंदे बात करते हैं ना मतलब इंस्टाग्राम पर, और उनमें से इंटरेस्टेड कोई होता है, कोई चंद बंदे ही होते हैं। अब उस बंदे ने मेरे से बात की, मैंने कहा जी आपका एडमिशन हो जाएगा। कहता जी मेरे मार्क्स जो है ना वो 40% मार्क्स हैं, FSC में से उसके 40% मार्क्स है, और वो बंदा कहता जी मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप करवा के दो। मैंने उसको पहले तो 3-4 गालियाँ दी, सच बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैंने उसको कहा यार, मैं कहा यार तू कम से कम अपने थोड़ा सा जेन से सोचो कि यार ये तू क्या मतलब बेहुदा बात कर रहा है यार, कि कैसे तेरी स्कॉलरशिप हो जाएगी, तेरे पास 40% मार्क्स है। मैं कहा तू शुक्र कर तेरा चाइना में एडमिशन हो जाए, और तेरा मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन करवा रहा हूँ जहाँ पर तेरी 10,000 सालाना फीस होगी, 10,000 RMB, और तू शुक्र कर खुदा का तेरा एडमिशन हो रहा है। उसने कहा जी नहीं कोई मसला नहीं है, मैं करवा लूँगा। उसने एक बंदे को दिया जी 40,000 RMB, एक बंदे को दिया उसने 40,000 RMB, और उसका एडमिशन उसने कहा जी मैं करवा देता हूँ, करवा कर होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। उस 40,000 देने के बाद ना उसका एडमिशन हुआ, ना उसको कोई स्कॉलरशिप मिली, और वो बंदा अभी पाकिस्तान में बैठा हुआ, और 40,000 RMB भी गया। 40,000 RMB अभी बनता है 16 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता, वो बंदा उधर बैठा हुआ है, ठीक है। तो गाइस कम से कम यार आप अपने आप को, अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर कोई पाकिस्तान में एजेंट बैठा हुआ है, वो आपको ये मतलब चूना लगा रहा है कि स्कॉलरशिप दिलवा लेगा, कम से कम आप गूगल पे जाके देख तो लो यार, कम से कम देख तो लो यार वाकई कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है। किसी की यूट्यूब पे वीडियो ही देख लो यार, मेरे जैसे बंदे को किसी की वीडियो ही देख, मतलब बोलता है ये बातें, बोलता है कि बैचलर के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, बैचलर के लिए स्कॉलरशिप लेना बहुत मुश्किल है, आप चाइना इंटर हो जाओ उसके बाद आप उस स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हो, वो कुछ
अलग वे है उसका, मतलब स्कॉलरशिप लेने का, ठीक है, लेकिन कोई बात मानता ही नहीं है, किसी की बात मतलब समझ आती नहीं है ये चीज़। अच्छा, जो तीसरा स्कैम हुआ ना वो ये है कि जी लास्ट ईयर ना मतलब के मई या जून का टाइम था, तब मतलब ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक स्टार्ट होने वाला था, और सितंबर इनटेक स्टार्ट होने से पहले बंदा एक जी आपको चूना लगा आ रहा है कि जी मैं आपको सितंबर इनटेक में भेज दूंगा, हालांकि एडमिशन क्लोज हो गया, सीएससी की पोर्टल बंद हो गई है, यूनिवर्सिटी पोर्टल बंद हो गई है, भाई जून में कौन सी पोर्टल खुली होती है सितंबर इनटेक के लिए, मुझे बताओ आप। वो बंदे ने जी बोला कोई मसला नहीं, मैं करवा देता हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है, मेरे ये हो गया, मैं चाइना स्टडी करके आया हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उस बंदे ने जी ले लिया 8 लाख रुपया उन बंदों, ठीक है, 8 लाख रुपया लिया उन बंदों से, और उन बंदों को वेट करवाया, दलील करवा के इस साल के फर्स्ट मंथ में जाके उन लोगों को पैसे वापस किए। उस बंदे ने उन बंदों का 1 साल ज़ाया किया, और मैं उन बंदों को यही बोल रहा था कि भाई आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपका एडमिशन मास्टर्स के लिए क्लोज हो चुके हैं, आपका मास्टर्स में एडमिशन नहीं हो सकता, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, आप अपना पैसा और टाइम बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। लेकिन वो बंदे नहीं बात मानी, वो लोगों ने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, वो एजेंट बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान में, ये हो गया वो हो गया। तो गाइस काइंडली अगर आपको एडमिशन चाहिए ना चाइना में, तो किसी सच्चे बंदे को ढूंढो जो आपका सच में काम करे, और सच्चे बंदे जैसा कि मैं अभी कह रहता हूँ कि भाई बैचलर के लिए स्कॉलरशिप नहीं, अगर सेल्फ पे करवाना है तो मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, फिर वो अपना टाइम और पैसा और एनर्जी वेस्ट करने के 1 साल बाद आके मुझे कहते हैं अब भाई आप मेरा एडमिशन करवा दो। फिर अब भाई कि अगर आपने पहले ही 1 साल बाद मान ली होती तो अभी आपका 1 साल भी बच जाता, पैसा भी बच जाता, एनर्जी भी बच जाती है। लेकिन लोगों को ये बात कैसे मैं समझाऊँ, कैसे मैं ये अपना मैसेज डिलीवर करूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, काइंडली उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करना जो कि चाइना में आना चाहते हैं, जो कि चाइना के बारे में सर्च कर रहे हैं और चाइना में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी बेनकाब कर दिया है इस वीडियो में एजेंट्स को, और मुझे कोई डर नहीं है कि मैंने जो भी बोला आपको रियलिटी बताई है, और मैं हमेशा रियलिटी पर बात करता हूँ, जो रियलिटी है उसी पर बात करता हूँ। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपके कोई भी सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।